हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। मेरी लास्ट 4 वीडियोस में आपने देखा होगा, उसमें मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। आज हम आप शुरू करेंगे पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस की तरह ही सेम पास्ट टेंस में भी जो है वो 4 तरीके के टेंस हैं। इसमें एक होता है पास्ट सिंपल टेंस, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फिर है पास्ट परफेक्ट और फिर है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सेम प्रेजेंट की ही तरह है फ्रेंड्स। तो आज हम पहला टेंस ले लेते हैं जो है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। जैसा कि इसके नाम में ही है सिंपल, ये प्रेजेंट की तरह बिल्कुल सिंपल है। जैसे प्रेजेंट में मैंने आप लोगों को कहा था कि 3 तरह के लोग हैं, आई है, यू है और एक कोई भी थर्ड पर्सन। अगर वो अकेला है, सिंगुलर है और वो ज़्यादा है यानी कि प्लूरल है। आई है तो मैंने बताया था आप लोगों को आई, और बस जो भी काम है उसका नाम लिख दीजिए आप, जो भी काम है यानी कि वर्ड। यू में सेम जो भी है उसका काम, सेम इसी में थर्ड था, सिंगुलर है तो उसके साथ मैंने कहा था काम के साथ एस लग जाएगा, एस। और जो प्लूरल है उसमें सेम आई और यू की तरह काम ही आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई स्टडी, तुम पढ़ते हो यू स्टडी, राम पढ़ता है तो यहाँ पे हो जाएगा राम स्टडीज, एस लग जाएगा फ्रेंड्स। और प्लूरल में वे पढ़ते हैं तो दे स्टडी। इसी से हमारा बात आता है पास्ट सिंपल। मैंने आपको प्रेजेंट बताया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब देखिए दोनों में मैं कंपेयर करती हूँ। ये मैंने कहा था जो होते हैं हमारे पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिनमें आता है ता, जो डेली रूटीन के काम होते हैं। बस दोस्तों इन्हीं को जो है आप पहले में कर दीजिए, वो हो जाएगा हमारा पास्ट सिंपल टेंस। यानी कि मैं कहूँ मैं पढ़ती हूँ, मैं कहूँगी मैं पढ़ता था, यानी कि ता भी आएगा और साथ में जो है था आएगा या थी आएगी, यानी कि वही काम जो हम पहले करते थे। ये है पास्ट सिंपल टेंस। जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं टीवी देखता था, सिंपल। प्रेजेंट की तरह इसमें भी बहुत सिंपल है, आप लोगों को वही 3 बातें आए हैं, यू हैं और कोई भी थर्ड ही है या शी है या दे। इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ध्यान रखना दोस्तों, ग्रामेटिकल भी जो है बातें ध्यान रखना। पास्ट टेंस में हम लोग हमेशा ही सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो इस पूरे में जो है हम आज सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म जैसे मैं कह लूँ गो की, गो वेंट गॉन, तो इसमें जो ये बीच वाली होती है फ्रेंड्स ये सेकंड होती है, और ये लास्ट वाली होती है थर्ड फॉर्म, और ये जो फर्स्ट वाली होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है जो हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में पर हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की, तो ये वाली सारी आ जाएंगी पास्ट सिंपल में। और जो ये वाली होती है फ्रेंड्स ये हैव के साथ आती हैं, ये आती हैं आपकी जहाँ पर भी कहीं पर भी परफेक्ट आ जाए, वेदर इट इज़ पास्ट परफेक्ट और वेदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ आए हैं, हम अपने पास्ट सिंपल पास्ट पे आते हैं कि मैं खेलता था, तो आए और सेकेंड फॉर्म, जैसे खेलना होता है प्ले, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्ले, आई प्लेड, बस इतना ही है, आई प्लेड, मैं खेलता था। तुम स्कूल जाते थे तो सिंपल हो जाएगा यू वेंट स्कूल, तुम स्कूल जाते थे। राम पूजा करता था तो राम वर्शिप्ड, राम वर्शिप, बस। और दे हैं तो अगर मैं कहूँ वे हंसते थे तो दे स्माइल्ड हो जाएगा, ईडी, इसीलिए इसे सिंपल कहा जाता है। बस जो भी काम है आपको उसके सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है, और वही सेम आई यू और दे उसके साथ लिख दीजिए, ना कोई आईएनजी, ना कोई बीच में थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, ना कोई सब्जेक्ट और ना कोई ऑब्जेक्ट, बस ये याद रखिए। वो जो भी है पास्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो उसमें जो है फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पहचान यही है जो काम हम करते हैं और जो काम हम करते थे। तो ये है दोस्तों आज का हमारा पास्ट सिंपल टेंस।